हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली क्रेजी। आज हम लोग निकल पड़े हैं अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन इन पॉन्डिचेरी इटसेल्फ, और वो दूसरा डेस्टिनेशन है, एक्चुअली हम लोग को पिछावरम जाना था, बट सोचा कि पिछावरम और पौंडी के बीच में चिदम्बरम आता है, द वर्ल्ड फेमस नटराज टेम्पल, तो जो कि मम्मी लोग सब है इधर में, तो सोचा वो भी विजिट कर लें, तो चल पड़े हम नटराज टेम्पल पे। चिदम्बरम, ये आज चिदम्बरम और पिछावरम का ट्रिप है, तो चिदम्बरम हम लोग आए हैं और अभी मम्मी पापा लोग सब अंदर गए हैं, मैं और मेरी बेटी बाहर खड़े हैं क्योंकि मेरी बेटी जा नहीं सकती, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं भी तब पर देने के लिए रुक गई उसके साथ। कुछ ख़रीदारी किया मैंने, नटराजन का जो आइडल है शिव का वो मैंने खरीदा और अच्छा लगा, रेट भी उतना हाई नहीं है, वो लोग मांगते हैं हाई, आप लोगों को बार्गेन करना पड़ता है, अच्छा लग रहा है। मंदिर प्रेमिसेस बहुत सुंदर है, ये देखिए ये पीछे वाले दुकान से मैंने खरीदा है, अच्छा है यहाँ का सब कुछ। तो अभी हम लोग आ गए हैं, पूजा ख़त्म हो गया सबका और सब निकल गए हैं गेट से बाहर। अभी कुछ खाया नहीं है सुबह को हम लोग ने, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट कर लें। पूरी हम लोगों ने ऑर्डर किया है और इधर का जो रेस्टोरेंट है बहुत साफ़ सुथरा है, प्योर विलेज है, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, और जो एनवायरनमेंट है मंदिर का भी एनवायरनमेंट अच्छा है, एट द सेम टाइम आसपास का जो रेस्टोरेंट एंड ऑल है वो भी बहुत अच्छा है। तो अभी पूरी ऑर्डर किया है, देखते हैं पूरी का टेस्ट कैसे है। रेस्टोरेंट तो अच्छा लगा, साफ़ सुथरा है, आप लोग देख सकते हैं। आने का इंतज़ार है, पूरी खा के मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसा है पूरी, टेस्ट कैसा है, क्योंकि अगर आप लोग कभी इधर आए तो ज़रूर ये रेस्टोरेंट में आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द मेन गेट है नटराज मंदिर का, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मुझे तो अच्छा लगा, खाने का क्या वो मैं आप लोगों को खा के टेस्ट करके बताऊँगी। स्टाफ्स भी इधर का बहुत अच्छा है, दे आर वेरी ऑनर्ड। अच्छा, तो मेरा गुलाब जामुन आ गया है अभी, पनीर का गुलाब जामुन ऑर्डर किया है, तो अभी हम लोग सोचा थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे, आप लोगों को भी बताते हैं। देखिए पनीर का जो गुलाब जामुन है, और ये है कुछ मलाई का कुछ आइटम्स होगा, तो ये ने मुरब्बा, ये देखिए गुलाब जामुन इतना ना मारे दिया देते ले, इतना वो है जूसी, इतना जूसी, देखिए देख रहे हैं ना, और ये है मिल्क केक है कुछ सब कुछ, ये देखिए अच्छा है खाने में। फिर ये भी ऑर्डर किया है, ये मुरब्बा है क्या का पता नहीं, अच्छा स्वीट्स का क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, मुझे पता नहीं कैसे होगा स्वीट्स, वो जो मिल्क केक, मुझे पनीर जामुन सब ठीक है, अच्छा है। पनीर जामुन भी बहुत टेस्टी है, बट ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वो मिल्क केक और मुरब्बा। पनीर जामुन भी नॉट बैड चल रहा है,
मतलब जो मुरब्बा है वो आप लोग ज़रूर खाइएगा, और जो मिल्क केक है जो दूध से बनाया गया है वो बहुत अच्छा है। देखिए आ गया हम लोग का पूरी, पूरी के साथ आलू का जो चटनी है वो एंड कोकोनट चटनी है। ये है पूरी का जो खूबसूरत सा चेहरा है, ये देख लीजिए आप लोग। पूरी सबका प्लेट में पूरी ही पूरी है, अभी सब खाएंगे। अभी खा के हम लोग निकलेंगे पिछावरम के लिए। ये हम लोग एंट्रेंस में आ गया है, ये है पिछावरम का बोट बुकिंग सेंटर। हम लोग अंदर घुस के हम लोग पहुँच के एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत गर्मी तो है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए मेरे हस्बैंड बुकिंग के लिए चले गए हैं ऑलरेडी, इधर पे बुकिंग करना पड़ेगा, फिर लाइफ जैकेट्स है इधर में, लाइफ जैकेट लगा के फिर जाना पड़ेगा। देखिए प्राइस लिया हम लोगों ने, और अभी हम लोग ने रो बोट का ऑप्शन किया है। इधर पे मोटर बोट भी है, बट मोटर बोट का एक्चुअली रेट ज़्यादा है, इसलिए अभी हम लोग रो बोट में ही जा रहे हैं। चलिए आप लोग भी देखिएगा, रो बोट में बैठ गए हैं अभी। अभी हम लोग का बोट चालू भी हो गया, 1 आवर के लिए हम लोग लिया रो बोट ही लिया, क्योंकि केरला में हम लोग ने बहुत एंजॉय कर लिया मोटर बोट्स एंड ऑल, तो इसलिए 1 आवर के लिए लिया गया था। और मम्मी लोग तो दूसरे बोट पे ऑलरेडी चल बसे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं। ये देखिए पानी ही पानी, पूरा चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। और ये जो है पिछावरम का जो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है। फ्रेस्ट सुंदरबन है जो कि वेस्ट बंगाल में है, और पिछावरम सेकंड है। आज बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि फर्स्ट तो देखी नहीं मैंने, सेकंड तो एटलीस्ट मैं सेकंड में तो महसूस करने आई हूँ, इसलिए बहुत खुश हूँ। बच्चे लोग भी खुश हैं। ये देखिए ये भी बैठी है बाहर आगे में, मेरे पापा भी है, सब लोग आगे में है और हम लोग पीछे में। हेलो, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये वो देखिए मम्मी लोग का बोट उधर है और हम लोग इधर में है। जाना है।
பொண்ணு கேட்டுச்சுல்ல அதுதான் சந்தேகம் பட்டுது எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டு போவாங்க அதுக்குதான் செந்தில் போட்டு கேட்க வேண்டியது அவங்க டெஸ்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியுமா இது தெரியுமா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மீட்டு இருந்தாங்க हम लोग अभी रिटर्न कर रहे हैं घर और रास्ते में भूख लगा तो सोचा पूरा लंच कर दिया जाए तो इसलिए हम लोग रेस्टोरेंट में आए हैं लंच करने ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में देखिए लास्ट में ये लोगों ने रसम भी दी बट ख़त्म हो गया और बनाना लीफ ने सर्व किया पानी भी गर्म पानी दिया है ये लोगों ने और
पता नहीं खाना कैसे होगा, हम लोग तो आज वेज है इसलिए हम लोग पनीर और नान ऑर्डर किए, बाकी सब लोग खा नहीं रहे हैं। मौसी और मेरा देवर वो लोग चिकन बिरयानी, तो चिकन बिरयानी पता नहीं पूछ लेंगे ये लोगों से, और हम लोग का भी अभी आया नहीं ऑर्डर, खाएंगे हम लोग भी देखते हैं। चिकन तो पूछा ये लोग से भी, उन लोग को अच्छा लगा टेस्ट। ये देखिए खा रहे हैं उधर, ये लोग का अच्छा लगा टेस्ट, बहुत अच्छा है बोला। हम लोग का नाम है बटर पनीर, से खा के बोलेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग घर आके भी कर सकते हैं। हाईवे में ही है यहाँ पास। हम लोगों ने नान ऑर्डर किया है और ये पनीर बटर मसाला, प्लेन नान ही ऑर्डर किया है। क्योंकि आज हम लोग का ट्यूजडे है, वेज है। ये देखिए मेरे बेटे का कैसे है बेटे टेस्ट है। मुझे ज़्यादा का ज़्यादा तो पनीर मसाला अच्छा, पनीर मसाला अच्छा है। मैं भी देखती हूँ कैसे है टेस्ट। नान और ये पनीर मसाला, ईडन बीच आगे है, लास्ट है आज का स्पॉट। चिदम्बरम पिछावरम सब खत्म करके अभी ईडन बीच में आ गए हैं लास्ट। थोड़ा खाना ना खाया तो सबको थकान सा महसूस हो रहा है, तो इधर आके थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे सब लोग। देखते हैं क्या वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, सकने से करेंगे मूड होने से, क्योंकि अभी हाँ ये देखो लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं। और एक बात बोलूँगी कि पौंडीचेरी में जितना भी बीच देखा हम, मतलब कल भी देखा, परसों भी गया, जैसे प्रोमेनाज, फिर सेरेनिटी बीच, रॉक बीच, सब कुछ सब बीच में विजिट किया, बट एक्चुअली ये बीच कुछ अच्छा लग रहा है। आई थिंक इट इज़ गुड। यहाँ का बीच का जो वाइब्स है अच्छा है, सुंदर है, इधर का एम्बियंस भी अच्छा है, एंड इतना ओवर क्राउडेड भी नहीं है। एंड आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ये बोल देती हूँ कि ये जो ईडन बीच है ये इंडिया का वन ऑफ द ब्लू फ्लैग वाला बीच है। एक्चुअली इंडिया में बहुत कम ही ऐसा कुछ बीचेस है जिसमें ब्लू फ्लैग दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे क्लीनलीनेस दिखाई नहीं देता है ना। बट ईडन बीच बिकॉज ऑफ इट्स क्लीनलीनेस इसको ब्लू फ्लैग दिया गया है। आइए आप लोग भी मज़ा लीजिए। Wanna come a little closer? You know I am the fire, I got a feeling.
wanna come a little closer. In your eyes, I'll trade it with mine. It's now or never. I'm tired of guessing, so don't you wanna come a little closer? Come over to my side, take you for a ride. We'll live and talk, we'll scream and shout throughout the night. Cause you know I am fire. I got a feeling. Don't you wanna come a little closer? In your eyes, I'll trade it with mine. It's now or never. I'm tired of guessing, so don't you wanna come a little closer? Can't tell what is wrong or right. This feeling I have inside. Stop trying to fight, cause you wanna come a little closer. No doubt and you can't deny. This feeling you're trying to hide. Stop trying to fight, cause you wanna come a little closer. हम लोगों का जो इडन अभी हम लोग निकल रहे हैं इडन बीच से, पीछे देखिए हम लोग का एक बीच।
मैं बोलूँगी कि बेस्ट है ये बीच, बहुत अच्छा लगा, आप लोग ज़रूर आइएगा। और ये बीच में बहुत सारा वाटर एक्टिविटीज़ है, बच्चों के लिए टाइम पास करने का बहुत चीज़ें हैं, और बीच भी बहुत फ्रेंडली है, आप लोग आराम से बीच में बच्चों लोग को लेके स्विम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा। एंड हम लोग भी इधर में आइसक्रीम खा रहे हैं, आधा तो खत्म हो चुका है।